दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी इस समय की दो काफी बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर कनाडा को लेकर है, जिसको भारत की तरफ से एक काफी बड़ा झटका दिया गया है, जिससे अब शायद ही कभी कनाडा उभर पाएगा। वहीं पर हमारी दूसरी खबर एप्पल कंपनी की तरफ से है, जिन्होंने भारत सरकार को धमकी देते हुए एक काफी बड़ी डिमांड रखी है। इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, लंबे समय से भारत की पहली पसंद कनाडा रहा है, चाहे फिर वह पढ़ाई करने के उद्देश्य से इंडियन स्टूडेंट का कनाडा जाना हो या फिर नौकरी की तलाश में वहां पर शिफ्ट होना। हरियाणा पंजाब में तो बचपन से ही माता पिता बच्चों को कनाडा जाकर बसने के सपने दिखाते हैं, लेकिन अब हालात इसके अपोजिट होते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में पढ़ाई करने के लिए इंडियन स्टूडेंट की एप्लीकेशन में 40% की गिरावट आई है। वहीं पर इससे सीधा असर कनाडा की इकोनॉमी पर पड़ेगा। जिस तरह से दोनों देशों में आपस में विवाद चल रहा है, उसको देखते हुए ये परसेंटेज भविष्य में बढ़ भी सकता है और इसका काफी बुरा असर कनाडा के ऊपर पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीते कुछ समय से कनाडा और भारत के संबंध कुछ खास नहीं चल रहे। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनातनी का सिलसिला जारी है। पहले ही कनाडा आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और अब कनाडा को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारतीय छात्रों ने कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय छात्र अब कनाडा जाकर पढ़ाई करने से बच रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से दूसरे देश के स्टूडेंट्स कनाडा की इकोनॉमी में $22 बिलियन से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें से सिर्फ भारतीय स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन करीब $10 बिलियन से अधिक था। दोस्तों, अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय स्टूडेंट का कनाडा की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान था। वहीं पर अब आई इसमें गिरावट के पीछे कई बड़े कारण है। एक तो कनाडा की डिग्री की कोई खास मान्यता अब नहीं रही है। भारतीय छात्रों की प्रायोरिटी को देखते हुए कनाडा में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गई थी, जो अनएथिकल तरीके से छात्रों को डिग्री दे रही थी और जिसकी वजह से उनका रोजगार नहीं मिल पा रहा था। वहीं अब कहीं ना कहीं इंडियन स्टूडेंट को इस बात का पता चल गया है। दूसरी वजह यह है कि कनाडा में इन्फ्लेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी काफी कम हो गई है। तीसरा और सबसे मुख्य कारण है इंडिया और कनाडा के बीच में चल रहा डिप्लोमेटिक इशू। इसको लेकर भारत ने ये भी कहा था कि कनाडा में एंटी इंडियन एक्टिविटी भी चल रही है, इसके चलते भी इंडियन स्टूडेंट कनाडा जाकर पढ़ाई करना नहीं चाहते और पूरी तरह से कनाडा को इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि कनाडा की ओर से इसको सुधारने का आग्रह किया जा रहा है। वहीं पर कनाडा के विदेश मंत्रालय ने भारत से उनके निकाले गए डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का भी आग्रह किया था। दरअसल भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स निकाल दिए थे। अब कनाडा भारत से इन डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। कैनेडियन डिप्लोमेट्स निकालने की वजह से कनाडा की वीजा प्रोसेसिंग स्पीड काफी कम हो गई है। दोस्तों, जब भी किसी भारतीय छात्र को कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाना होता था तो उसके लिए 3 साल का वीजा लगता है। नई दिल्ली में मौजूद कनाडा के डिप्लोमेट्स स्टूडेंट का बैकग्राउंड वगैरह चेक करके उसे वीजा देते हैं, लेकिन अब स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से छात्रों को आसानी से वीजा नहीं मिल पा रहा। जाहिर सी बात है, वीजा में इतना समय लगने की वजह से भारतीय स्टूडेंट दूसरे ऑप्शन की तरफ भी रुख करेंगे। वहीं कई यूरोपियन देश भी भारतीय छात्रों का वेलकम कर रहे हैं। भारतीय स्टूडेंट की कनाडा में एप्लीकेशन परसेंटेज गिरने का ये भी बहुत बड़ा कारण है। जब से कनाडा ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, उसका खामियाजा अब उसको भुगतना पड़ रहा है। इससे कनाडा की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। खैर, अब कनाडा इसके लिए क्या कदम उठाएगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि एप्पल कंपनी से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें, करीबन 1.5 साल पहले यूरोपियन यूनियन एक कानून लेकर आया, जिसके तहत एप्पल को ये कहा गया कि अपने फोन के चार्जर पोर्ट्स एक समान रखे। यूरोपियन यूनियन ने एप्पल से सी केबल चार्जर पोर्ट वाले आईफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा। इसके बाद एप्पल को यूरोपियन यूनियन की ये बात माननी पड़ी और हाल ही में लॉन्च हुए एप्पल 15C केबल पोर्ट के साथ लॉन्च किया गया। अब ऐसा ही सेम कानून भारत भी लाना चाहता है, जिसके तहत भारत में एप्पल से कहा गया है कि वर्तमान में जो भी 15 सीरीज से पहले के फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उन सभी में सी केबल पोर्ट लाया जाए। इस कानून को लेकर ही एप्पल ने भारत को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। एप्पल ने भारत से कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भारत में अपना प्रोडक्शन रोक देंगे। दरअसल अलग अलग पोर्ट की वजह से भारत को एक्स्ट्रा बायर्स परचेज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ई वेस्ट भी बढ़ जाता है, इसी के लिए कंज्यूमर का कॉस्ट भी बढ़ता है। इसीलिए इंडिया इस कानून को लाना चाहता है। भारत की ओर से एप्पल को जून 2025 तक की डेडलाइन भी दी गई है, यानी एप्पल के पास सिर्फ 6 महीने का समय है। अब इसको लेकर एप्पल ने भारत से 18 महीने का
का समय मांगा है, यानी जून 2026 तक एप्पल के पुराने मॉडल लाइटनिंग केबल के साथ ही मैन्युफैक्चर होंगे। इस पर इंडिया की आईटी फैक्ट्री ने फैसला लिया है कि हम एप्पल की रिक्वेस्ट को देखेंगे और उसके बाद इस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन इंडिया एप्पल से ये भी एक्सपेक्ट करती है कि वे अपने टारगेट को मीट करने की कोशिश करे। दरअसल दोस्तों, भारत का मार्केट काफी प्राइस कॉन्शियस है। अधिकतर लोग एप्पल के पुराने मॉडल लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके प्राइस गिर जाते हैं। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं एप्पल का मानना भी ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बंद करने से इंडियन कंज्यूमर को आईफोन के पुराने मॉडल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा एप्पल के मुताबिक अगर वे आईफोन के पुराने मॉडल में सी केबल पोर्ट लगाएंगे तो इसके लिए पोर्ट का डिजाइन भी चेंज करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब भारत सरकार की बात करें तो उनका भी ये कहना एकदम सही है, क्योंकि अलग से लाइटनिंग केबल लेना यूजर्स को महंगा पड़ता है, जिससे कंज्यूमर कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा ई वेस्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता है। वहीं पर अब भारत एप्पल के साथ बातचीत करके कौन सा बीच का रास्ता निकालेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या एप्पल को इस कानून को मानने के लिए एक्स्ट्रा टाइम पीरियड देना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।